नमस्कार, मैं हूं आचार्य भूषण कौशल। बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक में। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े वहमी होते हैं, बिना मतलब के वहम करते हैं और डरे से हुए रहते हैं। अगर आपको आप वहमी हैं या आपके घर में किसी को बार बार बेवजह वहम हो रहा है और वो डरा हुआ है तो क्या करें? सुबह एक सरसों तेल का दीपक घर में ज़रूर जलाएं और उसमें एक लौंग डालकर रखें और निर्जन स्थान पर उस दीपक को रख के आइए। डर भय सब खत्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सुबह सूर्य को जल चढ़ाकर पूजा करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग सुबह सूर्य को जल चढ़ाकर पूजा करते हैं वो वहमी नहीं होते, सूर्य उनकी रक्षा करता है और उनको डर भी नहीं लगता। अगर मान लीजिए आपके जान को खतरा है, कई बार ऐसा होता है भाई, सुरक्षा नहीं मिलती तो जान को खतरा हो जाता है। अगर आपको लगता है कोई आप पे अस्त्र शस्त्र का व्यवहार कर सकता है, तो आप पे कोई अस्त्र शस्त्र चला सकता है, आपकी जान की बाजी लगी हुई है, ऐसी आशंका हो तो शाम को पीपल की जड़ पर पानी चढ़ा के आए। जब सूर्य डूबने लगता है उस काल में जाकर के पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ा के आए। आप पे कभी भी अस्त्र शस्त्र नहीं चलेगा, आपकी जान आपकी बची रहेगी, कभी कोई नुकसान नहीं होगा। एक और भी अचूक उपाय है कि अगर आप वहमी, आपको डर लग रहा है कि भाई कोई कुछ करेगा, कोई हमारी परेशानी बढ़ा सकता है, शत्रु की तरह काम कर रहा है, शत्रुता हो रही है, एक बांस की जड़ ले आइए। बांस का पेड़ हरदम मिल जाता है, कहीं भी मिल जाता है। बांस की जड़ थोड़ी सी लाके और कान में लगा के रखिए, देखिए फिर कमाल, सारा डर भय खत्म हो जाएगा, शत्रु भी शांत हो जाएंगे। और जो लोगों को बहुत ही लगता है परेशान रहते हैं वो, तो उनको क्या करना चाहिए? एक फिरोजा रत्न आता है, फिरोजा रत्न को चांदी में अंगूठी बनवानी है, सात रत्ती का फिरोजा लेकर के, और आपको बीच वाली उंगली में आप शनिवार को धारण कर लें तो डर भय वहम सब खत्म हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। इस तरह से आपने जाना कि अगर डर और वहम है तो कैसे दूर करते हैं, छोटे छोटे उपाय बताए। लेकिन अब मुझे इजाज़त दो, नमस्कार, राम राम, लेकिन फिर आऊँगा एक नया विषय लेके।